गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। राजवंश सिंह मोहाली दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मैंने मेरी किताब नॉट मैड सो बैड या बिना जुनून नहीं सुकून में से लिया है। चैप्टर 5 है इसका, भी अपने लास्ट जो सेक्शन है तो उसमें ये चैप्टर का नाम है योर स्ट्रॉन्ग बेस इज क्या है, हेल्पिंग अदर्स। जब तक आप दूसरे बंदों की हेल्प नहीं करोगे तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बन सकता। मजबूत आधार आपका तभी बनेगा जब आप दूसरे बंदों की मदद करोगे। ये 141 पेज पर मैंने ये किताब में रेफरेंस दिया था, जेनेट कोल इनकी ये कोटेशन है जो मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। तो ये कहता है जी, वी कांट हेल्प आवर सेल्व्स, हम अपनी मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक किसी दूसरे की मदद हम नहीं करते। पहले हमें बीजना पड़ेगा, पहले हमें बोना पड़ेगा, फिर हम फसल काटेंगे। दूसरे नंबर पर, वी कांट गेट रिच, हम अमीर तब तक नहीं हो सकते जब तक दूसरे बंदे को हम अमीर बनाने की हमारे अंदर नियत नहीं आती, हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं आती, हमारे अंदर एक इंटेंशन नहीं आती। विदाउट एन रिचिंग अदर्स, मतलब दूसरे को जो आपको चाहिए वो हमने दूसरे को देना है, तब जाके हमें मिलना है। और तीसरे नंबर पर, कांट प्रॉस्पर, हम खुशहाल हो ही नहीं सकते कब तक, विदाउट ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी टू अदर्स, जब तक हम दूसरों की ज़िंदगी में खुशहाली नहीं ला सकते। दोस्तों बड़ी सिंपल जो बात है, हम तब तक खुशहाल नहीं हो सकते, तब तक अमीर नहीं हो सकते, तब तक हम प्रॉस्पर नहीं हो सकते जब तक हम दूसरे बंदों का ध्यान नहीं रखेंगे। जिस बंदे का भी समाज में रुतबा बड़ा है वो देने की वजह से बड़ा है, लेने की वजह से कभी नहीं बड़ा। जो आदमी ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं या जिन्होंने समाज को कुछ दिया है वही आदमियों की इज्जत हुई है, उन्हीं को सम्मान मिला है। बहुत सिंपल भाषा में मैं और आपके साथ बात करता हूँ, यदि हम अपने हाथ में रंग लगाना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी को रंगदार बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें दूसरों की ज़िंदगी में रंग भरने पड़ेंगे। यदि हम दूसरों की ज़िंदगी में रंग भरने के में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो रंग है हमारे अपने आप आ जाता है। एक बर्तन में मेहंदी पड़ी है, आपने मेहंदी में से दूसरे आदमी के हाथ पर मेहंदी अप्लाई करनी है ताकि उसके हाथ में रंग चढ़ सके, तो डेफिनेटली पहले जो बर्तन में मेहंदी वाले बर्तन में आपका हाथ जाएगा, मतलब आपकी जो आपकी हथेली है, आपकी उंगली है, ये उससे पहले रंगदार हो जाएंगी, उसके बाद सामने वाले बंदे को जाके रंग लगेगा। सो ये कुदरत का कानून है, जब हम पहले बीजते हैं, पहले बोते हैं, उसके बाद ही हमें कुछ मिलता है। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा लो। दोस्तों ये इस तरीके की वीडियो है कि हम जिंदगी में कुछ सीखना पड़ेगा। यदि हम रॉबर्ट टी क्योस्की की बात करें, रॉबर्ट टी क्योस्की ने अपनी किताब बिजनेस स्कूल में भी यही कहा है कि जो आदमी दूसरों की मदद करता है उसी की मदद होती है, उसी की मदद भगवान करता है, फिर उसी की मदद परमात्मा करता है। सो हमने इस बात का हमने ध्यान रखना है दोस्तों कि हमने अपना स्वार्थ छोड़कर, अपना स्वार्थ तो रखना है, स्वार्थ रख लेते हो कहीं किसी हद तक, ये नहीं कि सामने वाले बंदे का गला घोट के आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लाना चाहो तो नहीं ला सकते। किसी के आंसुओं पर अपनी खुशी का महल हम नहीं बना सकते। यदि ऐसा महल बन जाएगा तो डेफिनेटली आप लोग उसके बीच में रह नहीं पाओगे या फिर आपकी पीस ऑफ माइंड तो बिल्कुल नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ।